प्यारे बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चंदपुर आपके समक्ष आज बीजगणित का भाग चार लेकर उपस्थित है। मैं राम सुरेश सिंह आपके समक्ष चौथे रोज बीजगणित का भाग चार पढ़ाने जा रहे हैं। एक से लेकर पाँच छः तक ऑब्जेक्टिव के रूप में है, जो इसको लघु त्रिय नहीं पूछ सकता, जब भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और आपको ज्ञात हो कि कल संस्कृत की शुरुआत की गई थी, आज साइंस में रसायन पढ़ाया गया है। आप रसायन से इच्छुक है तो रसायन के भी देखेंगे, वीडियो जारी है। तो अभी तक आपको वंदना शिक्षण संस्थान तीन विषय की सेवा दे रही है, साइंस, संस्कृत और मैथ। और मेन रूप से यह तीन विषय इंपॉर्टेंट होती है। 15 जून के बाद जो भी रविवार पढ़ेंगे, हर रविवार को तीनों विषय में जो है आपसे हम जो है जांच करेंगे आपका। आप जो है को प्रति विषय में 25 या 30 यानी इस बोर्ड पर जितना आटेगा उतना ऑब्जेक्टिव डालेंगे। एक बार साइंस तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, एक बार मैथ में जितना पढ़ाए हैं उससे, और एक बार संस्कृत में जितना पढ़ाए रहेंगे उससे ऑब्जेक्टिव डालेंगे। उस ऑब्जेक्टिव को आप लोग रंगे रहेंगे और कल होकर सोमवार को उसका आंसर लिखेंगे, आप मिलाएंगे, तब आपको लगेगा कि हम कितना बना पाए। और विशेष रूप से आप क्वेश्चन बैंक से पहले भी बना सकते हैं, और वह ऑब्जेक्टिव आपको दसम बोर्ड में भी मदद करेगा, और वही ऑब्जेक्टिव आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में भी मदद करेगा। संस्कृत भी सी टेट बी टेट में लोग द्वितीय भाषा लेता है, उस द्वितीय भाषा में संस्कृत की ऑब्जेक्टिव भी मदद करेगा। तो प्रिय बच्चे, आप तीनों वीडियो संस्कृत और विज्ञान और मैथ को पढ़ें। अगर संस्कृत आप नहीं लिए हैं तो मैथ और साइंस को पढ़े, और हम वादा करते हैं कि चार माह के भीतर, तीन माह के बाद, यानी तीन और चार माह के बीच में हम तीनों विषय का सिलेबस जड़ से अंत तक, शुरू से अंत तक समाप्त करेंगे। इसलिए सभी को शुरू से ही शुरू किया गया है। आप ये नहीं समझे कि पढ़ा हुआ विषय ही पढ़ा रहे हैं सर जी, पढ़े हैं किसी कोचिंग में, कहीं भी पढ़े हैं, घर पर पढ़े हैं, अच्छी बात है, आपकी पुनरावृत्ति तो हो रही है। अगर आप में कुछ त्रुटि है तो हम दूर कर रहे हैं, अगर हम में कुछ त्रुटि है तो आप 99 397 18 416 पर अपना सुझाव दे सकते हैं, हम भी दूर करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चे, मेहनत जरूर करें और प्रत्येक दिन के वीडियो देखें। इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, ताकि एक दूसरे भी पढ़ सके। और जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारी हौसला बुलंद होगी, और आपको मालूम है कि हौसला बुलंद में पढ़ाई का कुछ मजा ही और आता है। और हम आपको ऐसे ले चलेंगे बारी बारी से, बीजगणित जिस दिन शुरूगा, क्षेत्रमिति शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति शुरू करेंगे, रेखा गणित में सभी थ्योरम को बतलाएंगे, बारी बारी से आपको हर चीज बतलाएंगे, ताकि आप नवंबर में आप मैसेज कर खुद बतलाएंगे कि ऑनलाइन से वंदना शिक्षण के द्वारा आपको कितना मदद मिला। तो प्रिय बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो शॉर्ट में भी रहेगा कि गॉस, या पूर्ण नाम रहेगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो इसको गॉस साहब को गणितज्ञों का राजकुमार कहा गया है। दो कर्मिक सम संख्या का HCF 2 होता है, दो कर्मिक सम संख्या का HCF 2 होता है। अगर दो चार का पूछ ले या चार छह का पूछ ले, 20 22 का पूछ दे, तो इसका HCF
दो ही होगा, कार्मिक होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ एक होता है, जैसे अभाज्य संख्या एक और दो हुआ, सम अभाज्य दो को कहा जाता है, इसका भी एचसीएफ एक होगा। एक हो तीन हो इसका भी एचसीएफ एक होगा, तेरह हो ग्यारह हो इसका भी एचसीएफ एक होगा, अर्थात यह एक के सिवा किसी से नहीं कटता, दोनों एक से है, दोनों एक से कटेगा, दोनों एक से कटेगा, इसलिए दो अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से नहीं विभाजित हो। तो दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ एक होता है। अब यहां है दो अभाज्य संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनंत होगा। दो अभाज्य संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो अनंत होगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मस गुने लस बराबर होता है ए गुने बी, या दिया रहेगा कथा कहानी आपको रंगने में ए गुने बी, या कहीं ए बी होगा तो ए बी ठीक है, इसके बीच में भी ए बी में गुना छुपा रहता है, तो गुना स्पष्ट हो या छुपा हो ए ही रंग आएगा। छठा ऑब्जेक्टिव है भाज ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए होता है जीरो छोटा या बराबर आर और बारह बी होता है, ए रंगना होगा, ए आपको दिया रहेगा। किसी किसी में ई दिया रहता है तो इसको रंगना पड़ता है। ये छह आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। अब यह जो हिसाब है यह ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा कि जो है आपको छियानवे और 404 का मस क्या होगा, तो आप रह पर निकालेंगे जो होगा वो रंग देंगे। अगर एलसीएम पूछता है लसर निकालने के लिए कहता है तो रह पर निकालेंगे जो आंसर होगा रंग देंगे। बनाने के लिए अगर पूछता है दो अंक के तो हम जिस तरह से बनाने जा रहे हैं उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड में 96 को इस तरह से करेंगे, 400 को भी इस तरह से विभाजित करेंगे, दू से दू दूना चार एक बचा, एक पर छः 16, दू अठे 16 यानी 48 दूना 96 होता है, दू से दू दूना चार और चार दूना 8 अर्थात 24 दूना 48 होता है, दू से 12 दूना 24, दू से 6 दूना 12, दू से 3, दू से दू दूना 4, दू दू दूना 4, फिर दू से दू इकाई दू, दू इकाई दू। अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, लिखेंगे 96 बराबर दू गुने दू गुने दू गुने दू गुने दू, दू दू चार एक पाँच, दू दू चार एक पाँच गुने 3, और एक 404 बराबर दू गुने दू गुने 101। अब इसमें जो मिलता है वो एच सी एफ होता है, यह और यह दू गुने दू और दू गुने दू, ये एच सी एफ हो गया, दू गुने दू बराबर दू दूना चार आंसर हो गया। एल सी एम कहेगा तो पहला लाइन को पूरे उतार देंगे, दू गुने दू गुने दू गुने दू गुने दू पांच बार, दू दू चार पांच बार गुने 3। अब देखेंगे कि निचला में जो है ऊपर मिला है कि नहीं, दू दू मिल गया, केवल 101 नहीं मिला है, तो गुने 101 करेंगे और इस पूरे को गुना करके लिख देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चे आप 2691 के बनाएंगे घर पर और मिलाएंगे आंसर, दिखाएंगे अपने से किसी पढ़े लिखे व्यक्तियों को, 12 15 21 के बनाएंगे, 306 और 697 के बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा रहा यूक्लिड विभाजन से, तो यहां पर 135 और 225 में 135 छोटा है तो छोटा से 12 में भाग देंगे, 135 से दो मरतबे भागा देंगे तो 270 हो जाएगा जो नहीं कट पाएगा, इसलिए एक मरतबे ही प्रिय बच्चे रखेंगे, 135 देंगे, पाँच में से पाँच घटेगा जीरो, एक नाइन दस दो बारह, बारह में से तीन घटेगा नौ।
और फिर बच्चे इसको घेर लेते हैं, इसको लाएंगे यहाँ 135 को, फिर 90 से कटाना है, दो मटर कटाएंगे, 90 दूना 180 होगा, इसलिए अधिक हो जाएगा, एक मटर में ही कटाएंगे, 90 रखेंगे, 5 में से 0 घटेगा 5, 1 ढाई 10, 3 13, 13 में से 9 घटेगा 4, इस तरह से घेरेंगे। अब इसको लाएंगे 90 को, 45 दूना 90 कट जाएगा 0 0। प्यारे बच्चे जब शेष 0 आ जाता है तो हमारा जो है ना हिसाब बन जाता है, यहाँ पर HCF एक पूर्णांक हो जाता है। अगर कोई बच्चा इस तरह से बनाने के बाद HCF दे के 45 लिख देता है, आंसर दे देता है, तो एक नंबर मिलेगा, क्योंकि यह भाग विधि से आपका हो गया गुना में। अब यूक्लिड विधि से जब तक इसको नहीं सजाएंगे पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए प्यारे बच्चे यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे आप सजाएंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, ये जो होगा उसको लिखेंगे यहाँ 225 बराबर 135 गुने 2 1, 135 गुने 1, और जो शेष यहाँ 90 है तो 90 देंगे। अब यहाँ पर 135 है, 135 लाएंगे, फिर इसमें गुना करेंगे 90 गुने 1, और जो शेष देख 45, फिर इसको लाएंगे 90, फिर गुना करेंगे 45 गुने 2 जो शेष 0 हो गया। इस तरह से लिखने के बाद जब 0 आ जाता है तब लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर होगा। इस तरह से आप पूर्ण लिखेंगे तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा, अन्यथा भाग विधि होगा। भाग विधि से पूछेगा तो ही देंगे, यूक्लिड विभाजन से पूछेगा तो ही देंगे, और भाग गुणनखंड से गुणनखंड विधि से देगा तो ऐसे बनाएंगे। जिस हिसाब को प्रिय बच्चे जिस विधि से कहा जाए उसी विधि से आपको बनाना होगा। देखे होंगे कि बहुत तेज से तेज विद्यार्थी को थोड़ा कम नंबर आ जाता है, और उससे कमजोर विद्यार्थी को अधिक नंबर आता है। इसका अर्थ यही होता है कि तेज विद्यार्थी शब्द सीमा को पार कर जाता है, वह पकड़ नहीं पाता है कि हमारा आंसर कितना में होगा। बहुत तेज विद्यार्थी निकलते हैं परीक्षा से तो कहते हैं कि सर पूरा पाना भर गया है, क्वेश्चन छूट गया, तो छूट गया तो नंबर कहां से मिलेगा। बोर्ड पे इतना पाना देता है कि दो बार भी कटिंग करके लिखा जाए तो पाना उभर ही जाता है, तो फिर उस विद्यार्थी को घट गया कैसे। इसका अर्थ है कि वह शब्द सीमा को पार कर रहा है, 200 शब्द में कह रहा है जो है 400-300 शब्द में लिख दिया, 60 शब्द में कह रहा है 100 शब्द लिख दिया। इसलिए वह जो है ना जो सही करते हैं शिक्षक वो देखते हैं कि ये तेज है, लेकिन इसको यह ज्ञात नहीं है कि हमें कर्म क्या करना है, इसलिए वहां पर नंबर अधिक लिखने के बाद भी पूर्ण नंबर नहीं दिया जाता। और जो विद्यार्थी उससे थोड़ा कमजोर है, मिनिमम है, वह विद्यार्थी शब्द सीमा के अंदर ही लिखता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, उसकी आंसर शब्द सीमा के अंदर आ जाती है। जब कॉपी सही करता है करते हैं कोई भी सर, तो वो देखते हैं कि ये बच्चा शब्द सीमा के अंदर लिखा है, वो तो मजबूरी में अपने शब्द सीमा के अंदर रह गया, लेकिन टीचर को ऐसा लगता है कि वह शब्द सीमा के अंदर है, निर्देश पा रहा है, निर्देश के अंदर लिखा है, इसलिए उसको पूरा पूर्णांक मिल जाता है। इसलिए कभी देखा जाता है कभी काल कि तेज लड़के को कुछ कम नंबर आ जाते हैं, और उससे कमजोर लड़के के, अधिक कमजोर के नहीं, उससे थोड़ा मोड़ा जो कमजोर होता है वह थोड़ा मोड़ा आगे हो जाता है। तो ऐसे से आप बच्चे, प्रिय बच्चे आप तेज है, अच्छी बात है, याद करें, और सब क्वेश्चन का जवाब एकदम निर्देश पढ़ के दे। हर क्वेश्चन में निर्देश होता है, इसके लिए क्वेश्चन बैंक को खरीदे, क्वेश्चन बैंक में सब निर्देश रहता है, उसी के अनुसार आंसर दे और अपना आंसर मिलाए, सही करे, ईमानदारी से नंबर दे, आप अपना मास्टर स्वयं बने, अपने दिल की जांच स्वयं करे, अपनी ईमानदारी की जांच स्वयं करे, अपनी मेहनत की जांच स्वयं करे, और
अगर पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी मदद जरूर करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जितना आप मदद करेंगे हम उतना आपको लेकर आएंगे। अभी बीजगणित आपको इस सप्ताह में ही लगभग लास्ट होने वाला है, यानी हमको याद है कि 5 जून तक बीजगणित समाप्त कर लेंगे, और अधिक क्वेश्चन बीजगणित से होता है, और उसके बाद में आप जो है ना अधिक भारी माना जाता है रेखा गणित, जिसमें थ्योरम रहता है ज्योमेट्री, उसी को हम शुरू करेंगे। तो इसी के साथ प्यारे बच्चे आज भाग 4 की समाप्ति कर रहे हैं, कल उपस्थित होंगे भाग 5 लेकर। जय हिंद, जय भारत।